Welcome back, my dear kids. How are you? I am Payal, your teacher. Today we are going to start another chapter of our SST book by Brain Root series. The name of our book is Jelly Bean Journeys in Social Studies, Class 1. आज हम अपना chapter number 3 start करेंगे. Chapter का नाम है Houses We Live In, घर जिसमें हम रहते हैं. हम सबको रहने के लिए घर की आवश्यकता होती है. तो चलिए अब हम घर के बारे में पढ़ते हैं. सम एंड सब्सटेंस. नीड ऑफ अ हाउस, डिफरेंट रूम्स इन अ हाउस, काइंड ऑफ हाउसेस एंड अ गुड हाउस, इन सब के बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो चलिए सबसे पहले एक एक्टिविटी करते हैं. मैच द वर्ड विद द करेक्ट पिक्चर. यहाँ पे कुछ वर्ड दिए हुए हैं, आपको उनको सही पिक्चर से कनेक्ट करना है. पहला वर्ड है बाथ टब, तो आपको बाथ टब की पिक्चर बनी हुई है, तो आपको बाथ टब को किससे मैच करना है, बाथ टब की पिक्चर से. तो ये एक्टिविटी आप खुद करेंगे. नाउ इंटरप्रिटेशन. अ हाउस बिकम्स अ होम व्हेन वी लिव इन इट विद आर फैमिली. मकान घर कब बनता है, जब हम अपने परिवार के साथ उसमें रहते हैं. नीड ऑफ अ हाउस, घर की जरूरत क्यों है. ऑल ऑफ अस नीड अ हाउस टू लिव इन, दिस प्लेस इज कॉल्ड अ हाउस. हम सबको रहने के लिए घर की आवश्यकता होती है, उसे हम होम कहते हैं या फिर हाउस कहते हैं. Now I will tell you about kind of houses. घर भी अलग अलग तरह के होते हैं. देखिए, there are 3 kind of houses. 3 तरह के घर होते हैं, कच्चा हाउस, पक्का हाउस और स्पेशल हाउस. तो अब इनके बारे में हम पढ़ते हैं. First we will learn about कच्चा हाउस. अगर आप लोगों में से कोई गांव गया है तो वहां के घर शहर के घरों के तुलना अलग होते हैं. वहां पर अधिकतर आपको कच्चा हाउस मिलेंगे. कच्चा हाउस कौन से होते हैं, चलिए पढ़ते हैं. अ कच्चा हाउस इज मेड अप ऑफ बैम्बू, मड एंड स्ट्रॉ. कच्चा हाउस मिट्टी, बांस और भूस से बना होता है. देखिए, कच्चा हाउस किससे बना है, मड से, बैम्बू से और से. We find कच्चा हाउस इन our villages. हम कच्चा हाउस कहाँ देख सकते हैं, गांव में. These houses are not so strong. ये मकान ज्यादा मजबूत नहीं होते. Now we will learn about पक्का हाउस. Houses that are made up of cement, iron, steel and bricks are called पक्का हाउस. वो घर जो ईंट, पत्थर, सीमेंट और सरिये से बनता है, उसे हम पक्का हाउस कहते हैं. सच टाइप ऑफ हाउसेस आर स्ट्रॉन्ग, इस तरह के घर बहुत मजबूत होते हैं. दे आर मोस्टली फाउंड इन सिटीज एंड टाउन, इस तरह के मकान आपको शहरों में देखने को मिलते हैं. मैनी विलेजेस आर ऑल्सो हैव पक्का हाउसेस. आजकल तो गांव में भी मोस्टली घर कैसे होते हैं, पक्के होते हैं. वहां पर भी आपको पक्का हाउस देखने को मिलता है. अ बिग पक्का हाउस इज कॉल्ड अ बंगलो. बहुत बड़ा पक्का हाउस क्या कहलाता है, बंगलो कहलाता है. जो बहुत बड़ा होता है, डबल ट्रिपल स्टोरी होता है, उसमें गार्डन होता है, टेरेस होता है, वो बहुत बड़ा होता है. देखिए, पक्के हाउस के एग्जाम्पल हैं फ्लैट और अपार्टमेंट. अपार्टमेंट और फ्लैट भी पक्का हाउस होते हैं. नाउ वी विल लर्न अबाउट सम स्पेशल हाउसेस. अ हाउस इज मेड अप ऑफ थिक वाटरप्रूफ क्लॉथ इज कॉल्ड टेंट. इट इज यूज्ड फॉर कैंपिंग. टेंट क्या होता है, जो मजबूत कपड़े से बना होता है, जो वाटरप्रूफ होता है, जिसमें से पानी आर पार नहीं होता, वो टेंट होता है. टेंट का यूज मोस्टली कब किया जाता है, कंपेनिंग के लिए. कई बार आप स्कूल की तरफ से कंपेनिंग पे जा रहे हैं, जैसे स्काउट गाइड के कैंप पर या फिर पिकनिक पर. हमारे सोल्जर्स भी टेंट का यूज करते हैं. अ हाउस बिल्ट ऑन अ बोट इज कॉल्ड हाउस बोट.
घर जो नाव पर बना होता है उसे हम हाउस बोट कहते हैं। इट फ्लोट्स ऑन वाटर, ये पानी पर तैरता है। सच हाउसेस आर फाउंड इन कश्मीर, इस तरह के घर आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, कश्मीर में। नाउ आई विल टेल यू अबाउट कैरावन। अ कैरावन इज अ हाउस ऑन व्हील्स, इट कैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वो घर जिसमें पहिए लगे होते हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, उस तरह के हाउस को हम क्या कहते हैं, हम उसे कैरावन कहते हैं। मोस्टली जो सर्कस का शो करते हैं, जिन्हें एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ता है, वो लोग किसका यूज करते हैं, कैरावन का। नाउ आई विल टेल यू अबाउट इग्लू। इग्लू कैसा घर होता है? एन इग्लू इज मेड ऑफ आइस ब्लॉक। इग्लू किससे बनता है? बर्फ के टुकड़ों से। इट इज अ वार्म फ्रॉम इनसाइड एंड प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम कोल्ड, ये अंदर से गर्म होता है और लोगों को किससे बचाता है, ठंडी से। एस्किमोज लिव इन इट, और इसमें कौन रहते हैं, एस्किमोज रहते हैं। अ स्टिल्ट हाउट इज बिल्ड हाई अप ऑन स्टिल्ट, अ लैडर इज रिक्वायर्ड टू एंटर दीज हाउसेस। स्टिल्ट किस तरह के घर होते हैं, ये बहुत ऊंचे होते हैं और इन पर जाने के लिए हमें लैडर, लैडर हम कहते हैं सीढ़ी को। देखिए यहाँ पे एक स्टिल्ट हाउस की पिक्चर है और यहाँ पर चढ़ने के लिए आपको किसकी आवश्यकता पड़ती है, लैडर, जिसे हम सीढ़ी कहते हैं। सच हाउसेस आर सेफ फ्रॉम स्नेक्स एंड एनिमल्स, इस तरह के घर जानवरों से हमें सुरक्षित रखते हैं और स्नेक्स सांप से सुरक्षित रखते हैं। नाउ वी विल लर्न अबाउट डिफरेंट रूम्स इन अ हाउस। आप सबके घर में अलग अलग कमरे होते हैं, नहाने के लिए बाथरूम होता है, सोने के लिए बेडरूम, मम्मा खाना कहाँ बनाती हैं, किचन में। तो सब कामों के लिए अलग अलग रूम्स होते हैं। ऐसा तो नहीं होता सोने के लिए आप बाथरूम का यूज करें, नहीं, सोने के लिए हम बेडरूम का यूज करेंगे। जब हमारे घर कोई गेस्ट आता है, हम उसे कहाँ बिठाते हैं, हम उसे ड्राइंग रूम में बिठाते हैं। खाना हम डाइनिंग रूम में खाते हैं। चलिए अब इनके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट किचन। किचन क्या होती है? किचन को हम रसोई भी कहते हैं। अ हाउस हैज मेनी रूम, वी कुक फूड इन द किचन। घर में बहुत सारे कमरे होते हैं और हम खाना कहाँ पकाते हैं, किचन में। वी कीप थिंग्स सच एज रेफ्रिजरेटर, गैस स्टोव एंड कुकिंग यूटेंसिल्स हेयर। किचन में हम क्या रखते हैं, हम फ्रिज रखते हैं, गैस स्टोव रखते हैं और बर्तन रखते हैं, वो बर्तन जिसमें हम खाना बनाते हैं। ड्राइंग रूम, आर गेस्ट यूजली सिट इन ड्राइंग रूम। वी कीप थिंग्स सच एज सोफा एंड टेलीविजन इन दिस रूम। हमारे घर में जो मेहमान आते हैं वो कहाँ बैठते हैं, ड्राइंग रूम में। और ड्राइंग रूम में मोस्टली क्या होता है, सोफा होता है और टेलीविजन होता है। डाइनिंग रूम, वी ईट आर फूड इन द डाइनिंग रूम। वी कीप आर डाइनिंग टेबल एंड चेयर इन दिस रूम। हम खाना कहाँ बैठकर खाते हैं, डाइनिंग रूम में खाते हैं। डाइनिंग रूम में डाइनिंग टेबल होता है और चेयर्स होती है। नाउ वी विल लर्न अबाउट बाथरूम। वी टेक बाथ इन द बाथरूम, हम बाथरूम में नहाते हैं। वी कीप थिंग्स सच एज सोप्स, शैम्पूस, बकेट एंड मग इन दिस रूम। बाथरूम में हम बाल्टी, मग्गा, साबुन और शैम्पू रखते हैं। नाउ वी विल लर्न अबाउट बेडरूम। वी स्लीप इन द बेडरूम, बेडरूम में हम सोते हैं और बेडरूम में क्या होता है, बेड होता है। नाउ वी विल लर्न अबाउट स्टडी रूम। स्टडी रूम वो कमरा जहां पर हम पढ़ाई करते हैं। और स्टडी रूम में क्या होता है, स्टडी रूम में आपकी बुक्स होती हैं, टेबल होता है और आपके पास अगर कंप्यूटर है तो कंप्यूटर भी आप स्टडी रूम में रखेंगे। चिल्ड्रन स्टडी एंड प्ले इंडोर गेम्स इन द स्टडी रूम।
बच्चे स्टडी रूम में पढ़ाई करते हैं और इंडोर गेम, वो गेम जो घर के अंदर खेले जाते हैं, वो सब कहाँ खेलते हैं? स्टडी रूम में। अ गुड हाउस, अच्छा घर कैसा होता है? अ गुड हाउस मे बी बिग और स्मॉल, अच्छा हाउस बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी। इट हैज डोर फॉर पीपल टू एंटर द हाउस, इसमें एक दरवाजा होता है जिसमें से लोग घर के अंदर आते हैं। इट हैज मे विंडोज टू लेट इन सनलाइट एंड फ्रेश एयर, खिड़की होती है जिससे सूरज की रोशनी और ताजी हवा अंदर आती है। कहां पर? घर के अंदर। इट हैज अ नीट एंड क्लीन फ्लोर, साफ सुथरा फर्श होता है। इट हैज अ स्ट्रॉन्ग रूफ टू कवर द टॉप ऑफ द हाउस, बहुत मजबूत छत होती है जिसे हम रूफ कहते हैं, जो क्या करती है? घर को सुरक्षित रखती है। We must keep our house neat and clean, हमें अपने घर को हमेशा साफ रखना चाहिए। साफ घर रहेगा बहुत अच्छा लगेगा और हम अच्छा महसूस करेंगे। Now time to have look over, चलिए जल्दी से एक बार फिर से चैप्टर को रिवाइज करते हैं। द प्लेस वेयर वी लिव इज कॉल्ड अ हाउस, वो जगह जहां हम रहते हैं उसे हम हाउस कहते हैं। There are three type of houses, कच्चा हाउस, पक्का हाउस एंड स्पेशल हाउस, तीन तरह के घर होते हैं, कच्चा हाउस, पक्का हाउस और स्पेशल हाउस। A house has several rooms, घर में बहुत सारे कमरे होते हैं अलग अलग। House made up of mud and straw are कच्चा हाउस। House made up of cement, bricks and steel are पक्का हाउस। Now time to do some exercise. Exercise 1, choose the correct option. यहाँ पर एक क्वेश्चन है, उसके चार ऑप्शन हैं। आपको सही ऑप्शन को चुनना है। A dash is made of bamboo, mud and straw. Bamboo, mud और straw से क्या बना होता है? कच्चा हाउस, इग्लू, पक्का हाउस और कैरेवन। तो करेक्ट आंसर है कच्चा हाउस। नंबर 2, वी स्लीप इन द, हम कहाँ सोते हैं? बेडरूम, बाथरूम, डाइनिंग रूम या स्टडी रूम, हम सब बेडरूम में सोते हैं। नंबर 3, आर गेस्ट यूजुअली सिट इन द, हमारे गेस्ट मेहमान अधिकतर कहाँ बैठते हैं? ड्राइंग रूम, बाथरूम, बेडरूम या नन ऑफ दीज, तो जब घर में मेहमान आते हैं तो वो ड्राइंग रूम में बैठते हैं। नंबर 4, अ हाउस बिल्ट ऑन अ बोट इज कॉल्ड, नाव पर जो घर बना होता है उसे क्या कहते हैं? उसे हाउस बोट कहते हैं। नाउ एक्सरसाइज बी, फिल इन द ब्लैंक यूजिंग हेल्प बॉक्स, यहाँ पर कुछ ब्लैंक्स को फिल करना है और आपकी हेल्प के लिए एक बॉक्स दिया हुआ है, उसमें कुछ वर्ड्स हैं। तो चलिए सबसे पहला है, द प्लेस वेयर वी लिव इन इज कॉल्ड अ, वो जगह जहां हम रहते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे हम हाउस कहते हैं। हम लिखेंगे एच ओ यू एस ई, हाउस। हाउस मेड ऑफ सीमेंट, ब्रिक्स एंड स्टील आर कॉल्ड, जो घर सीमेंट, पत्थर, ईंट और स्टील से बना होता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम पक्का हाउस कहते हैं। तो हम यहां लिखेंगे PUCCA, पक्का, HOUSE, हाउस। A dash is built high up on stilt, तो क्या चीज है जो ऊंची बनी होती है और stilt पर? वो होता है stilt house। हम यहां लिखेंगे STILT, stilt house, HOUSE, हाउस। नंबर 4, A house made up of thick waterproof cloth is called, वो घर जो मजबूत कपड़े से बना होता है, जो waterproof होता है, उसे हम कहते हैं tent। तो हम यहां लिखेंगे TENT, tent। Now exercise C, state whether the following statements are true or false, आपको बताना है यहां जो वाक्य दिए हुए हैं वो सही है या गलत। अगर वो सही है तो आप ट्रू लिखेंगे, गलत है तो आप फॉल्स लिखेंगे।
नंबर वन, कच्चा हाउस आर नॉट सो स्ट्रॉन्ग, कच्चा हाउस ज्यादा मजबूत नहीं होते. यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. तो हम लिखेंगे टी आर यू ई, ट्रू. अ बिग पक्का हाउस इज कॉल्ड हट, मजबूत बड़ा घर झोपड़ी कहलाता है. ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है. तो हम यहां लिखेंगे एफ ए एल एस ई, फॉल्स. वी कुक फूड इन द डाइनिंग रूम, डाइनिंग रूम में हम खाना बनाते हैं. बताइए ये सही है, आपकी मम्मा डाइनिंग रूम में खाना बनाती है? नो, दिस इज फॉल्स. मम्मा खाना कहाँ बनाती है? किचन में. तो हम यहां लिखेंगे फॉल्स. एंड इग्लू इज मेड ऑफ आइस ब्लॉक, इग्लू बर्फ के ब्लॉक से बनता है. बिल्कुल सही बात है. हम यहां लिखेंगे टी आर यू ई, ट्रू. नाउ एक्सरसाइज डी, मैच द कॉलम. अब आपको मैचिंग करनी है. तो देखिए, सबसे पहला है पक्का हाउस, कच्चा हाउस, हाउस बोट और कैरेवन. तो पक्का हाउस को हम किससे मिलाएंगे? पढ़ते हैं, हाउस ऑन वाटर, हाउस ऑन वीट, ब्रिक्स एंड सीमेंट, मड एंड स्ट्रॉ. पक्का हाउस किससे बनता है? ब्रिक और सीमेंट से. नेक्स्ट, कच्चा हाउस. कच्चा हाउस को हम मैच करेंगे मड और स्ट्रॉ से, क्योंकि वो मिट्टी और स्ट्रॉ से बनता है. हाउस बोट, हाउस बोट किस पे चलती है? वाटर पर. तो हाउस बोट क्या है? हाउस ऑन वाटर. कैरवन लास्ट ऑप्शन है, हाउस ऑन व्हील. तो कैरवन को हम मिलाएंगे हाउस ऑन व्हील से. सो माय डियर स्टूडेंट, इन दिस चैप्टर वी हैव लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेस, डिफरेंट रूम्स ऑफ हाउसेस. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.